Good morning, students. I am Mayank Tiwari. Today we will solve test number 14 of the General Agriculture series. Let's start. So student, सबसे पहले 1 to 10 आप नंबर डाल लीजिए. उसके बाद आपके कितने करेक्ट रिस्पॉन्सेज हुए लास्ट में इवेल्युएट कीजिए ताकि आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सको. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, आप प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड्स बाय, आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे डिवाइड होता है. ऑप्शन ए फिजन, ऑप्शन बी माइटोसिस, ऑप्शन सी मियोसिस, ऑप्शन डी नन. स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है. देखिए स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए. जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है साइज में छोटा होता है, 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है. जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो 1 टू 40 माइक्रोमीटर होता है. जो प्रोकैरियोटिक सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है ये रेजिस्टेंट होता है डेसिकेशन के, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है ये सेंसिटिव होता है ड्राइंग के. उसके बाद स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में. ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में. सॉरी स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेल आपका यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं. इसमें राइबोसोम स्मॉल होते हैं, रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और इसमें जो राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक सेल में वो बिगर होते हैं और अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. जो मैंने आपसे पूछा था सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो सिंपल फिजन से होता है. स्पिंडल नहीं बनता, कोई माइटोसिस नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में, कोई मियोसिस नहीं होता. लेकिन जो आपका यूकैरियोटिक सेल है इसमें माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है, इसी से इसका डिवीजन होता है. स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. उसके स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन में होता है जो कि लाई करते हैं फ्रीली साइटोप्लाज्म में, और इसमें तो वेल ऑर्गेनाइज क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टैक ऑफ थायलाकॉइड्स जो ग्रेना होता है यूकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा ही होगा. और प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द रेशियो ऑफ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक वेरियंस इज नोन एज. ऑप्शन ए हेरिटेबिलिटी, ऑप्शन बी फिनोटिपिक वेरियंस, ऑप्शन सी 9:3:4, ऑप्शन डी 9:6:1. अभी स्टूडेंट ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि आसानी से आपने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए होंगे इसमें. अब देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी, अभी मैंने पर्पसफुली रखे हैं ऑप्शंस. स्टूडेंट जीन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना. कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन होता है 9:7, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन होता है 9:3:4, इनहिबिटरी जीन एक्शन होता है 13:3, एपिस्टेटिक जीन एक्शन होता है 12:3:1, इसको मास्किंग भी बोलते हैं, और ड्यूप्लीकेट होता है 15:1, और पॉलीमरिक होता है 9:6:1. अभी स्टूडेंट इसको ध्यान रखने के लिए एक ट्रिक है डिमकॉप्सा. देखो डी का मतलब होता है डोमिनेंट, डी का मतलब है डुप्लीकेट. देखो सबसे पहले होगा 15:1, ठीक है, अभी बाकी जो होंगे वो सारे 15 से कम होंगे, सबका सम 16 होगा. दूसरा देखो इनहिबिटरी, इनहिबिटरी 13:3, फिर आपका मास्किंग 12:3:1, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री 9:7, फिर आपका पॉलीमेरिक 9:6:1, फिर आपका सप्लीमेंट्री 9:3:4. तो डिमकॉप्सा करके ट्रिक बना के याद करना. वैसे अगर आपका दिमाग ज्यादा शार्प है तो आप बिना ट्रिक के भी याद कर लोगे, लेकिन ट्रिक बना के काफी सारे स्टूडेंट्स को याद हो जाता है. मैंने भी ट्रिक बना के ध्यान रखा था तो इसलिए ये इजी वे है याद करने का. अभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूटेंट वेराइटीज आर फाउंड इन केस ऑफ. इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूटेंट वेराइटीज कौन सी क्रॉप में पाई जाती है बताना है. ऑप्शन ए बार्ली, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी ग्राउंडनट. अभी स्टूडेंट इसमें मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट मुझे पता है राइस ही मारेंगे, राइस ही इसका सही आंसर है, लेकिन कुछ चीजें और पता होनी चाहिए म्यूटेंट वेराइटीज के बारे में. देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो जो मैं आपको बता रहा था, राइस में मैक्सिमम म्यूटेंट वेराइटी है 24, फिर बार्ली में 12, फिर कॉटन में 8, फिर ग्राउंडनट में 8, और चाइना में लार्जेस्ट नंबर ऑफ म्यूटेंट वेराइटी है. इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है म्यूटेंट वेराइटी के टर्म में, थर्ड पे रशिया है, फोर्थ पे जापान है. स्टूडेंट इस बार जेआरएफ में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे अरेंज करने के लिए पोजीशन वाइज, तो ये ध्यान रख लेना. अभी स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले काइमेरा, इट इज अ इंडिविजुअल विद वन जीनोटाइप इन सम ऑफ इट्स पार्ट एंड अदर जीनोटाइप इन अदर्स, ये ध्यान रखना. उसके बाद एक प्राइमेक्स व्हाइट मस्टर्ड है स्टूडेंट, इट इज द फर्स्ट वेराइटी डेवलप फ्रॉम म्यूटाजेनेसिस प्रोग्राम 1950 में बनाई थी. उसके बाद जगन्नाथ राइस, गामा रे इंड्यूस्ड सेमी ड्वार्फ म्यूटेंट फ्रॉम टॉल कल्टीवार T141. जब आपका T141 जो कल्टीवार है उसमें गामा रे का म्यूटेशन कराया था जो तो जगन्नाथ राइस बना था. उसके बाद जब शरबती सोनारा में इरिडिएशन करवाया था MS स्वामीनाथन ने तो सोनारा 64 बना था,
और प्रभावती वेराइटी ऑफ राइस इज अ इंड्यूस म्यूटेंट फ्रॉम टॉल सेंटर वेराइटी अंबे मोहर लोकल. जब अंबे मोहर लोकल को 0.2% EMS से हमने ट्रीट कराया था तो प्रभावती बनी थी. और जो शुगर केन की वेराइटी है CO8152, जब CO527 में म्यूटेशन कराया था गामा रे रेडिएशन का तो आपका ये वेराइटी बनी थी. उसके बाद इंड्यूस म्यूटेशन से कॉटन में दो वेराइटी बनी है, MCU7 और MCU10. तो इसमें सी आ रहा है तो आप ये ध्यान रख सकते हो. स्टूडेंट ये कॉटन वाला अगर ये शुगर केन वाला अगर आप ना भी ध्यान रखो तो चल जाएगा, लेकिन ये प्रभावती सोनारा 64 जगन्नाथ राइस और प्राइमेस व्हाइट मस्टर्ड ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं. अभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बार आपने सुना होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज करेक्टली मैच्ड. ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी कैटेगरी करेक्टली मैच की गई है. अर्ली अडॉप्टर 34%, लेट मेजोरिटी 2.5%, अर्ली मेजोरिटी 16%, लगार्ड 16%, नन. अभी स्टूडेंट कुछ चीजें और ध्यान रख लेना इसमें. सबसे पहले एलिमेंट ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, इनोवेशन, डिफ्यूजन, मोटिवेशन और एडॉप्शन. और डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बिटवीन पर्सन. और स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन कौन कौन सी होती है, सीक्वेंस में ध्यान रखना, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल और एडॉप्शन. ये एडॉप्शन की स्टेजेस होती हैं. देखिए स्टूडेंट एडॉप्टर्स की 5 कैटेगरी होती है. सबसे पहले इनोवेटर्स होते हैं, 2.5% इंडिया में इनोवेटर्स की पॉपुलेशन है, मतलब जैसे ही उनको नॉलेज मिलेगी वैसे ही वो अडॉप्ट कर लेंगे. उसके बाद अर्ली अडॉप्टर्स लोकल लीडर्स से की हेल्प से अडॉप्ट करते हैं, 13.5% टोटल पॉपुलेशन का ये पार्ट होता है. अर्ली मेजोरिटी ये अडॉप्ट जस्ट बिफोर अडॉप्टिंग द कॉमन पीपल एंड नॉट थ्रू लोकल लीडर्स, मतलब जब कॉमन पीपल अडॉप्ट करने वाले होते हैं उससे पहले ही अडॉप्ट कर लेते हैं और ये लोकल लीडर्स के द्वारा अडॉप्ट नहीं करते. 34% टोटल पॉपुलेशन का अर्ली मेजोरिटी होती है. उसके बाद स्टूडेंट लेट मेजोरिटी, जब वो देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कोई नई प्रैक्टिस अपना रहे हैं तो वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो लेट मेजोरिटी इज 34%. और स्टूडेंट लास्ट में लगार्ड्स, ये सबसे लास्ट में अडॉप्ट करते हैं और इसमें 16% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन है, तो प्लीज स्टूडेंट ये ध्यान रखना. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भूदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय, ऑप्शन ए विनोबा भावे 1951, ऑप्शन बी विनोबा भावे 1952, ऑप्शन सी अल्बर्ट माइन 1948, ऑप्शन डी नन. अब स्टूडेंट ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ईयर भी ध्यान रखना होता है कुछ प्रोग्राम्स का और कुछ पर्सन्स का, तो अपना थर्ड ईयर में जो एक्सटेंशन पढ़ा था उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं प्लीज उसकी एक टेबल बना लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. इवन स्टेट पीसीएस में भी अगर आप एग्रीकल्चर दोगे तो उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले, तो ये ध्यान रख लेना. जैसे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो आपने एलिमिनेट कर दिया होगा ऐसे मुझे उम्मीद है, अब ए और बी में कन्फ्यूजन होता है. तो स्टूडेंट 19 नंबर पे देखो, भूदान मूवमेंट 1951 में विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, पूचमपल्ली तेलंगाना में जो एक जगह है वहां पे. और उसके बाद ग्रामदान मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया था. सबसे पहले भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था 1951 में पूचमपल्ली तेलंगाना में. उसके बाद जो ग्रामदान है 1952 में स्टार्ट किया था, ये मंगरौथ विलेज इन यूपी. तो स्टूडेंट दोनों इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अल्बर्ट मायर मैंने ऑप्शन में दिया था, इन्होंने इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1948 में, तो ये ध्यान रख लीजिएगा. अभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हेन एमपीपी इज इक्वल टू एपीपी, एपीपी इज. अभी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो पूरे साल भर आपने ये पढ़ा होगा, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो प्लीज उसे छोड़ के मत जाना. तो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में अगर सब कुछ छोड़ के जा रहे हो तो ये ग्राफ बस देख लेना, क्योंकि ये ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होती है इसमें. इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखो, अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट ए को आप देखो तो उसके बाद जो टीपीपी है वो डिमिनिशिंग रेट के बाद, मतलब पहले टीपीपी जो होता है इनिशियली वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है, लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद जो टीपीपी होता है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है और एमपीपी भी उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है. देखो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद एमपीपी भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा. अभी स्टूडेंट ये दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो, जो पॉइंट बी है वहां पे टीपीपी मैक्सिमम है और कांस्टेंट रहता है. उसके बाद जब टीपीपी आपका हाईएस्ट होता है और वहां पे एमपीपी जीरो हो जाता है. और स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि टीपीपी डिक्रीजेस व्हेन एमपीपी बिकम नेगेटिव. देखो जब एमपीपी नेगेटिव में जा रहा है तो टीपीपी भी जो सबसे टॉप में है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट वो भी डिक्रीज होने लग जाता है. उसके बाद स्टूडेंट जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी में एमपीपी इज इक्वल टू एपीपी होता है, ठीक है, और वहां पे एपीपी मैक्सिमम होता है. जिस पॉइंट पे एमपीपी इज इक्वल टू एपीपी होता है उस पॉइंट पे एपीपी मैक्सिमम होता है. उसके बाद जब देखो जब आपका एपीपी एमपीपी से बड़ा हो जाता है उसके बाद एपीपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. देखो सेकंड वाली स्टेज में देखो,
अभी इसमें क्या है कि एमपीपी डिक्रीज हो रहा है और एपीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसमें एमपीपी मतलब उसमें एपीपी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब देखो दो स्टेज दो कंडीशन होती हैं, जब इनिशियली एमपीपी एपीपी से ज्यादा होता है तो एपीपी बढ़ रहा होता है, लेकिन जब एपीपी एमपीपी से ज्यादा हो जाता है तो उस समय एपीपी घट रहा होता है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट इलास्टिसिटी पूछते हैं कि फर्स्ट स्टेज में इलास्टिसिटी कितनी होती है, सेकंड स्टेज में इलास्टिसिटी कितनी होती है। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज जो होती है वो इरेशनल स्टेज होती है, आपको पता ही होगा। फर्स्ट स्टेज में जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ग्रेटर देन वन होती है, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन वन, हाँ ठीक है। टू इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू वन, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेज जहां पे एंड होती है वहां पे एमपीपी और एपीपी बराबर हो जाते हैं, इसलिए ईपीपी ग्रेटर देन वन टू एपीपी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू वन। सेकंड स्टेज में इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन वन टू इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन स्टूडेंट्स आपको फॉर्मुला पता होगा एमपीपी अपॉन ईपीपी होता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मुला ये देखो, तो जब एमपीपी जीरो हो जाएगा सेकंड स्टेज के एंड में तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी। और स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस करते हैं। द शेयर ऑफ स्पॉन्सर्ड बैंक इन शेयर कैपिटल ऑफ आरआरबी, अभी स्टूडेंट आरआरबी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, रीजनल रूरल बैंक। तो ये आपने पढ़ा होगा कई बार कि स्पॉन्सर्ड बैंक का कितना शेयर होता है। स्टूडेंट ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी से क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी कब बना था ये पता होना चाहिए। आरआरबी की शेयर कैपिटल में स्पॉन्सर्ड बैंक, कैपिटल बैंक सॉरी स्पॉन्सर्ड बैंक, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना शेयर होना चाहिए पता होना चाहिए। और सबसे पहले इंडिया में जो पांच आरआरबी खुले थे वो कहाँ कहाँ खुले थे ये पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट अभी बताता हूँ आपको, स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि आरआरबी 1975 में इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किए थे, और कमिटी ऑन आरआरबी जो बनी थी वो एम नरसिम्हा ने हेड करी थी। सबसे पहले पांच आरआरबी खुले थे इंडिया में, एक खुला था यूपी, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो यूपी में दो आरआरबी खुले थे, मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी में, राजस्थान में जयपुर में, वेस्ट बंगाल में मालदा में, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो शेयर कैपिटल है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 15% स्टेट गवर्नमेंट देती है, 35% स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बैंक देता है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रख लेना। उसके बाद स्टूडेंट 1977 में एक कमेटी और बनी थी, प्रोफेसर एम एल दांतवाला कमेटी, आरआरबी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, इसने 1980 में रिपोर्ट दी थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एट, नरेगा बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। तो स्टूडेंट नरेगा से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है सेप्टेम्बर 2005, आपको बताना है इफेक्टिव कब हुआ। तो स्टूडेंट ध्यान रख लीजिएगा, एफेक्टिव और कब आया था इसमें डिफरेंट ईयर्स होते हैं। अगर आपसे पूछे कि नरेगा बिकम ऑपरेशनल या फिर इफेक्टिव और नरेगा वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, ध्यान रख लीजिएगा। सितंबर 2005 ऑप्शन ए, सेकंड फरवरी 2006 ऑप्शन बी, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है 1980, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है 1959। तो स्टूडेंट ये सारे ऑप्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट 1959 में क्या हुआ था कि पंचायत राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था नागौर राजस्थान से और आंध्र प्रदेश से, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद 1980 में क्या हुआ था, आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था। ऑपरेशन फ्लड भी स्टूडेंट ध्यान रख लेना, ऑपरेशन फ्लड के तीन पार्ट थे, ऑपरेशन फ्लड वन, ऑपरेशन फ्लड टू, ऑपरेशन फ्लड थ्री। तो जो ऑपरेशन फ्लड था ये एग्रीकल्चर और हेल्थ डेवलपमेंट के लिए था, ऑपरेशन फ्लड टू आपका डेयरी पोल्ट्री पिगरी के लिए था, और ऑप्शन नंबर थर्ड जो हम पढ़ते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए वो ऑपरेशन फ्लड थर्ड था। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना। ट्राइसेम भी ध्यान रखना, ट्राइसेम 1979 में स्टार्ट हुआ था, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 6-5 ईयर प्लान के टाइम पे। उसके बाद यंग फार्मर एसोसिएशन, स्टूडेंट इसमें 4H कंसेप्ट बहुत पूछते हैं, 4H का मतलब क्या होता है यंग फार्मर एसोसिएशन में, हार्ट, हेड, हैंड और हेल्थ, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आई थी आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 से शुरू हुई थी, ये ध्यान रख लीजिएगा स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना कि जो 4H क्लब था ये एबी ग्राहम ने स्टार्ट किया था, और इंडिया में पीएस देशमुख ने यंग फार्मर एसोसिएशन स्टार्ट किया था, ठीक है ये ध्यान रख लेना। और पीएस जो देशमुख हैं इन्होंने एक मैगजीन भी निकाली थी इंडिया में, रूरल यूथ। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फर्स्ट केवीके एस्टैब्लिश्ड इन, हाँ स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर जो होगा वो 2 फरवरी 2006 होगा, जो नरेगा था सितंबर 2005 में आया था, 2 फरवरी 2006 से ये इफेक्टिव हुआ था। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फर्स्ट केवीके एस्टैब्लिश्ड इन पॉन्डिचेरी इन द ईयर,
आपको बताना है कि पहला कीवी के कब स्टैब्लिश हुआ था, 1979, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी नन। अगेन स्टूडेंट ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देखिए जो पहला कीवी के था वो 1974 में आया था, 1979 में आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम आया था गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ आईसीआर में, और 1973 में टीएनवी प्रोग्राम आया था, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम आया था, बेस्टर एंड बेडॉर ने इसको बनाया था। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ लाइन पासिंग थ्रू इक्वल स्लोप ऑफ डिफरेंट आइसोकॉन कर्व, एक लाइन जो कि इक्वल स्लोप से पास होती है डिफरेंट आइसोकॉन कर्व के, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए आइसोक्लाइन, ऑप्शन बी रिज लाइन, ऑप्शन सी एक्सपेंशन पाथ, ऑप्शन डी आइसोकॉन। तो स्टूडेंट आइसोकॉन तो हो नहीं सकता, आइसोक्लाइन रिज लाइन और एक्सपेंशन पाथ में कंफ्यूजन है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रख लेना, लाइन पासिंग थ्रू एलसीसी ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एक्सपेंशन पाथ और कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोकॉस लाइन। उसके बाद आइसोक्लाइन और रिज लाइन, आइसोक्लाइन इज अ लाइन दैट पास थ्रू इक्वल स्लोप ऑफ डिफरेंट आइसोकॉन कर्व, जो लाइन इक्वल स्लोप से पास होती है डिफरेंट आइसोकॉन कर्व के उसको आइसोक्लाइन बोलते हैं। एक्सपेंशन पाथ इस पर्टिकुलर आइसोक्लाइन दैट पास थ्रू डिफरेंट लीस्ट कॉस्ट पॉइंट, तो जो डिफरेंट लीस्ट कॉस्ट पॉइंट से पास होने वाली पर्टिकुलर आइसोक्लाइन होती है उसको हम एक्सपेंशन पाथ बोलते हैं। रिज लाइन इज द लाइन पासिंग थ्रू मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिफरेंट आइसोकॉन कर्व, उसको रिज लाइन बोलते हैं, जो मैक्सिमम पॉइंट से पास होती है डिफरेंट आइसोकॉन कर्व के। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये अरुण का ध्यान है, आपने देखा भी होगा इसमें रिज लाइन मैक्सिमम पॉइंट से पास हो रही है डिफरेंट आइसोकॉन कर्व के, आइसोक लाइन जो सेम पॉइंट से पास होती है, और रिज लाइन तो आपको पता ही है। स्टूडेंट्स में एक वर्ड आ रहा था आइसोकॉन, तो ये ध्यान रखना, जब दो इनपुट परफेक्ट सब्सिट्यूट होते हैं तो आइसोकॉन स्ट्रेट लाइन होता है, जब दो इनपुट गुड सब्सिट्यूट होते हैं तो आइसोकॉन कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, जब दो इनपुट पुअर सब्सिट्यूट होते हैं तो आइसोकॉन का स्टीप कर्वेचर होता है, और दो इनपुट्स जब नॉन सब्सिट्यूशनेबल होते हैं, ठीक है, नॉन सब्सटीट्यूटेबल होते हैं और फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करते हैं, तो आइसोकॉन का जो शेप होता है वो राइट एंगल होता है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, आई एम होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज दूसरे जूनियर्स और बेस्टमेट्स के साथ भी इसको शेयर करना। तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट है, तो प्लीज मुझे मैसेज करना। थैंक यू।